आर यू रेडी? सबसे पहले हम एक एक करके हम क्वेश्चन वर्ड्स पूछते जाएंगे। जैसे व्हाट है, तो हम पहले व्हाट से सेंटेंस पूछेंगे। हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। हम आप लोगों का टेस्ट नहीं ले रहे हैं कि कितना आपने सीखा, जस्ट मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। और मेरे व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि प्रैक्टिस किस तरह से इंग्लिश का करें, ताकि हम इंग्लिश बोलना सीख पाए। ओके, तो तुम क्या हो? व्हाट आर यू? तुम्हारी माँ क्या है? व्हाट आर यू मदर? मदर के लिए आर का इस्तेमाल होगा, इच का। हाँ, व्हाट इज योर मदर? तुम्हारे पिताजी क्या है? व्हाट इज योर फादर? तुम्हारा भाई क्या है? व्हाट इज योर ब्रदर? यह क्या है? व्हाट इज दिस? वह क्या है? व्हाट इज दैट? वे लोग क्या है? व्हाट इज दे? हाँ, व्हाट आर दे? तुम्हारा इरादा क्या है? व्हाट इज इंटेंशन? व्हाट इज इंटेंशन? योर इंटेंशन? व्हाट इज योर इंटेंशन? ओके, सिट डाउन नाउ यू। मैं आपको हु से सेंटेंसेस पूछूंगा। आपने अभी व्हाट का तो सुन ही लिया, व्हाट का आपको प्रैक्टिस हो गया होगा, ठीक है। अभी हु से आपका पूछता हूँ, तुम कौन हो? हु आर यू? तुम्हारे पिताजी कौन है? हु आर योर फादर? मैंने कितनी बार कहा है कि सिंगुलर नंबर के लिए इज का इस्तेमाल करो, इज का। जब एक की बात कर रहे हैं ना हम सेंटेंस में, तो इज का इस्तेमाल करना है। योर फादर? हु इज योर फादर? तुम्हारा दोस्त कौन है? हु इज योर फ्रेंड? तुम्हारा क्लास टीचर कौन है? हु इज योर टीचर? क्लास टीचर वह कौन है? Who is this? Who is that? Who is that? Who is he भी बोल सकते हैं हम, और who is that भी बोल सकते हैं। Who is that? राहुल कौन है? Who is राहुल? Okay, sit down. मैंने what और who पूछ लिया, मैं अब आपको where का पूछूंगा, ठीक है। तो where से आपको sentences बनाने होंगे। Where मतलब क्या होता है? कब। Where मतलब कब होता है? मैंने कहा तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो सचिव? वेयर आर यू? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वेयर इज योर फादर? वेयर इज योर फादर? तुम्हारा घर कहाँ है? वेयर इज यू हाउस? यू ना यू हाउस? वेयर इज यू हाउस? योर हाउस, तुम्हारा घर। मेरी पेन कहाँ है? मेरी पेन कहाँ है? वेयर इज पेन देयर? मेरी पेन कहाँ है? वेयर इज माय पेन? हाँ, वेयर इज माय पेन? तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ? वेयर इज योर ब्रदर? यस। अब आपको मैं कब का सेंटेंसेस पूछूंगा। ओके, कब का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? When? वेरी गुड। तो तुम्हारी परीक्षा कब है? When आर एग्जाम? आर कैसे आएगा? When इज एग्जाम? When इज योर एग्जाम? तुम्हारी परीक्षा कब है? When इज योर एग्जाम? तुम्हारा बर्थडे कब है? When इज योर बर्थडे? दिवाली कब है? When इज योर दिवाली? योर दिवाली कहाँ से होगा? When इज दिवाली? हाँ, when इज दिवाली? धनतेरस कब है? When इज धनतेरस? मीटिंग कब है? When इज मीटिंग? ओके, why? Why means? क्यों? तुम खुश क्यों हो? Why are you happy? तुम सुस्त क्यों हो? Why are you lazy? तुम उदास क्यों हो? Why are you sad? ओके, तुम्हारे पिताजी नाराज क्यों हैं? Why your is sad? मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है? यस सर। Why फादर? Why फादर इज योर? Why इज योर फादर sad? यस। Why इज योर फादर sad? यस सर। सिट डाउन, मैं आपको पूछूंगा विच का। ओके, विच मैंने? विच मतलब होता है कौन सा, कौन सी। ओके, तुम्हारी पेन कौन सी है? विच इज योर पेन? मेरी किताब कौन सी है? विच इज माई पेन? तुम्हारा घर कौन सा है? विच इज योर हाउस?
अच्छा, तुम्हारी साइकिल कौन सी है? विच इज योर बाईसाइकिल? मेरी बैग कौन सी है? मेरी विच इज माई बाइक? मेरी मेरा बैग कौन सा है? विच इज माई बैग? तुम्हारा कार कौन सा है? तुम्हारी कार कौन सी है? विच इज योर कार? तुम्हारी बाइक कौन सी है? विच इज योर बाइक? मेरी किताब कौन सी है? विच इज माई बुक? मेरी पेन कौन सी है? मेरी पेन कौन सी? विच इज माई पेन? यस।